इसीलिए चलते हैं आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आवर कंट्री हैज लॉस्ट 40 क्लोज टू 40 आर्म फोर्सेस जवान एंड आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू कन्वे टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड दोज हु हैव सीरियसली इंजर्ड दैट वी आर विद देम इन कंडेमिंग दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म. We shall never compromise with terrorist forces. Whatever the country requires, we will work together as one united nation to deal with this menace of terrorism. Terrorism is a scourge. It is something with which we can never compromise. And as the Congress president said, today is not a day to raise contentious issues. Our role is today to convey to our soldiers, their families, our heartfelt condolences, and that the Congress party stands full support of our jawans and their families. Our sympathies are with those who have lost their near ones, and we will do all that is necessary is to keep this nation united in support of anti-terrorist measures. I want to just say, listen, no force, no amount of hatred, no amount of anger can do even this to the love and affection that our country is built on. You cannot even do this. That's all. Thank you. पुलवामा आतंकी हमले पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी बोल रहे थे, पीएम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमला सेना पर नहीं पूरे देश पर है और ऐसी स्थिति में पूरा विपक्ष जवानों के साथ खड़ा है, उनके परिवारों के साथ खड़ा है और शहीद परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। ये कहना था पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का। आपको बता दें कि सबसे बड़ा आतंकी हमला इसे माना जा रहा है, जिसको लेकर पूरा देश स्तब्ध है, आक्रोश में है और इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोले और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी बोले। यहां पर कहा गया कि यह हमला सेना पर नहीं पूरे देश पर है और ऐसी घड़ी में शहीद जवानों के साथ है पूरा विपक्ष। और हमारे शहीदों को जैसे कल पीछे से हमला करके और हमारे शहीद हुए हैं जितने सैनिक, तो हम ये बोलना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इसमें राजनीति ना करे, ना कोई विरोध पक्ष राजनीति करे। ये देश का मसला है, देश के जवानों के साथ जैसे बर्बरता हुई है, कड़ी से कड़ी वहाँ पाकिस्तान में कब्रस्तान नहीं मिलने चाहिए इन आतंकवादियों को रखने के लिए। ऐसा मंजर बनाओ कि आने वाली पीढ़ी इस देश को या दुनिया को या जैसे आतंकवाद से आतंकवाद मुक्त की बात करते थे सब, तो ऐसे तो हो नहीं रहा है। तो ये आक्रोश हमारा है, आज पाकिस्तान का पुतला दहन कर रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवाद जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी फैक्ट्री चला रहे हैं उनका पुतला दहन कर रहे हैं। पूरे देश में आक्रोश है, आतंकी क्यों इतने बेखौफ हो गए हैं और क्यों उनके इरादे इतने बुलंद हो गए हैं, इतने हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, ये बड़ा सवाल है। और पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उरी हमले के बाद ये सेना पर हुआ सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। अभी तक आपको बता दें कि 44 जवान शहीद हो चुके हैं और कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार अभी चल रहा है।
और इसी को लेकर तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह हमला पूरे देश पर है, सिर्फ सेना पर नहीं। ऐसी घड़ी में पूरा देश और विपक्ष साथ है, शहीद जवानों के परिवार के साथ है। यह हमला बेहद निंदनीय है, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। और यहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश यहां पर आक्रोशित है, स्तब्ध है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतने सारे जवान शहीद हुए, क्यों उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं थे। अब तक 44 जवान शहीद हो चुके हैं और देश के कोने कोने से इसी तरह की विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। देश का हर नागरिक यहां गुस्से में है, खून खौल रहा है और यहां पर कहा जा रहा है कि देश मांगे बदला, शहादत का बदला पूरा देश मांग रहा है। पुलवामा में सबसे बड़ा आतंकी हमला यह हुआ है और आपको बता दें कि इससे पहले उरी हमला हुआ था जब 18 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ये सेना पर हुआ सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। 44 जवान हमारे शहीद हो गए और ऐसे में यहाँ पर निंदा नहीं, अब कुछ करने की जरूरत है। पूरा देश ये बोल रहा है कि अब समय आ गया है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो, और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, ऐसा सबक दिया जाए इन आतंकी हमले करने वाले और उनको शेयर करने वालों को कि इनके हाथ कांप उठे, भारत की तरफ देखने पर इनकी रूह कांप उठे। अब समय आ गया है कि सेना को सुरक्षा दी जाए, हमारा सैनिक सुरक्षित हो तभी देश सुरक्षित होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा देश आक्रोश में है, देश के अलग अलग कोने से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन जगह जगह किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि शहादत जो है जवानों की वो बेकार नहीं जाएगी। एनएफएम का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया है, छीन लिया गया है भारत द्वारा और सेना को पूरी छूट दे दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि शहादत जो है हमारे जवानों की वो बेकार नहीं जाएगी। पुलवामा में सबसे बड़ा आतंकी हमला, इससे पहले उरी हमला हुआ था उसमें 18 जवान शहीद हुए थे और अब पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है उससे पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश साथ है जवान, शहीद जवानों के परिवारों के साथ। शहीद जवानों के परिवारों में मातम छाया हुआ है, किसी का सपूत चला गया तो किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के सर से पिता का साया छिन गया। सिर्फ 44 जवानों के परिवार ही नहीं, पूरा देश आज गमजदा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा जा रहा है। पूरा देश आज चाहता है कि शहादत बेकार ना जाए सैनिकों की, हमारे जवानों की। ऐसे में गंभीर सवाल भी उठते हैं। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भी किया था कि इस तरह का हमला हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा हमला होना सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों जवानों को सुरक्षा नहीं दी जाती, आखिर क्यों उनके पास साधन नहीं होते? अगर अलर्ट दिया गया था तो क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से जवानों को भेजा गया, क्यों नहीं ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया? ये बड़े सवाल यहाँ पर हैं, खड़े होते हैं। और आज समय आ गया है कि राजनीति से परे होकर, सेना पर राजनीति न करके सेना के बारे में सोचा जाए, जवानों के बारे में सोचा जाए, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा जाए।
क्योंकि अगर वो सुरक्षित होंगे तो तभी हमारे देश को सुरक्षित रख पाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं, देश गुस्से में है। हमले का बदला लो सरकार, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। शहादत का बदला देश मांग रहा है आज। जगह जगह देश में, जगह जगह कोने कोने में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जवानों की शहादत का बदला मांगा जा रहा है। आज पूरा देश शहीद हुए जवानों के साथ खड़ा है। पूरा देश आज गमजदा है, स्तब्ध है, आक्रोशित है। पुलवामा में हुआ ये बड़ा आतंकी हमला भारत को झकझोर देने वाला है। यह हमला इतना बड़ा था, आपको बता दें कि जवानों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, जवानों के शव तक नहीं मिले थे।